नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको क्रिएटिव फैशन के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया तो यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ दिखाए गए बेल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्ते, आज हम आपके लिए लाए हैं सेमी पटियाला कट करने के दो बहुत ही आसान तरीके। दोनों तरीके बहुत अच्छे से मैंने दिखाए हैं तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेजरमेंट्स यानी नाप देखेंगे। यहाँ पर हमारी पटियाला की तैयार लंबाई है 40 इंच, हमारा हिप घेरा है 39 इंच, पोचा है हमारा 6 इंच और हमारी जो क्रॉच लेंथ है वो हमें निकालनी होती है। तो क्रॉच लेंथ निकालने का तरीका होता है कि हमारा जितना भी हिप राउंड है उसका तीसरा हिस्सा करते हैं। तो हिप राउंड 39 इंच है, उसका तीसरा हिस्सा आता है 13 इंच और अब 13 इंच में हम 1 इंच मिलाएंगे तो हमारी क्रॉच लेंथ यानी आसन होता है 14 इंच और हमारे बेल्ट का नाप है 5 इंच जो कि तैयार है। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर यानी कि 90 इंच, यानी कि मेरा पूरा फैब्रिक यहाँ पर 2.25 मीटर है। यहाँ पर मेरे कपड़े की चौड़ाई 36 इंच है, आपके 40 इंच या 42 इंच भी हो सकती है। अब हमें यहाँ पर कपड़े को मोड़ना है तो हम इसको चौड़ाई में मोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम पटियाला सेमी पटियाला कटिंग करेंगे वो 2.25 मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा हम घेर यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड किया है और जो इस साइड का कपड़ा है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा। ये हो गया हमारा दो लेयर कपड़ा जहाँ पर यहाँ पर फोल्ड आएगा और इस तरफ भी फोल्ड होगा और यहाँ आगे की तरफ हमारे खुले लेयर होंगे। अब हम यहाँ पर नाप डालेंगे सबसे पहले लंबाई का, जो कि मेरी तैयार लंबाई है 40 इंच, उसमें से बेल्ट का हमें कम करना है, बेल्ट है 5 इंच तो होता है मेरा 35 इंच, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे तो 36 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब यहाँ से यहाँ बस हमें आगे की तरफ लाइन खींच देनी है और कट लगाना है। सिंपली हमने लंबाई का नाप डाला कैलकुलेशन के हिसाब से और यहाँ पर कपड़े को कट कर दिया। अब यहाँ पर फोल्ड है तो वो फोल्ड हम कट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा पार्ट निकल के आएगा, दो पार्ट यहाँ पर निकल के आए हैं दोनों लेग्स के पार्ट के। अब इस पार्ट को हम आगे से इस तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर रखेंगे। अब जो नीचे का कपड़ा है वो मैं यहाँ पर बिछा दूंगी। जो पार्ट है और जो हमारा दूसरा बचा हुआ कपड़ा है वो दोनों सेम लाइन में रहेंगे। आगे की तरफ ये खुले लेयर होंगे और इस तरफ हमारा फोल्ड होगा और ये खुले पदर इस साइड में होंगे पार्ट के हमारे और फोल्ड इस तरफ होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हमारी क्रॉच लेंथ यानी आसन। आसन हमारा निकल के आया था 14 इंच, उसमें से हम बेल्ट का कम कर देंगे तो होता है 9 इंच, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच यानी 9 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर करेंगे हम हमारे बॉटम यानी पोचे का मार्किंग जो कि 6 इंच है, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे और 7 इंच पर मार्किंग किया। अब ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ पर जॉइंट कर देने हैं। यहाँ पर हम कलियों का कटिंग कर रहे हैं। लाइन जॉइंट करने के बाद इसका कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर हमारी दो कलियाँ निकल के आई है। यहाँ से भी हमें कट लगाना है और जो ये कपड़ा है ये हमारे किसी काम का नहीं, उसको मैंने साइड में रख दिया। यहाँ पर हमारी दो कलियाँ निकल के आई, यहाँ पर फोल्ड है तो उसको हम कट कर देंगे, इससे हमारी दो कलियाँ अलग हो जाएगी।
अब ये जो दो कलियां है ये हमारी पार्ट को यहाँ से जॉइंट होगी। देखिए यहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ ये हमारे पार्ट को कहाँ से जॉइंट होगी। अब इस कलियों को हमें इस तरह से उठाना है और ऊपर की कपड़े की और इस तरह से रखना है ताकि हम और दो कलियां निकाल सके, क्योंकि एक लेग्स के पार्ट में हमारी दो कलियां होती है जॉइंट, तो दो लेग्स के पार्ट के लिए हमें चार कलियां निकालनी है। तो यहाँ पर हमने ये ऊपर की तरफ और दो कलियां निकाली, इस तरह से हमारी ये चार कलियां यहाँ पर निकल आती है। अब ये नीचे की जो कलियां है दो, उसमें यहाँ पर हमारा फोल्ड है तो उसको हम कट कर देंगे। अब ये पार्ट और चार कलियां निकल के आई है, इसको साइड में रखेंगे और जो ये कपड़ा बचता है ऊपर की तरफ इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए बेल्ट हमारा तैयार 5 इंच है, उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें फोल्ड लगाना होता है नाड़े के लिए ऊपर की तरफ, तो 7 इंच यानी 7 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब ये सीधी लाइन खींचती और इसके ऊपर से हम कट लगा देंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट की लंबाई 7 इंच। अब जो ऊपर की तरफ का एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसको हम इस साइड में रखेंगे क्योंकि हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई होगी उसके लिए हमें यहाँ पर ज्वाइंट आएगा। अब हमें बेल्ट की चौड़ाई जो चाहिए होती है वो हमारे हिप का आधा करना है और उसमें 3 इंच प्लस करना है, तो मेरा यहाँ पर 22.5 इंच आता है। तो ये मेरा बराबर से हो रहा है 22 इंच या 22.5 इंच, तो मैं यहाँ से कट लगा दूंगी। अगर आपको और एक्स्ट्रा का जॉइंट की ज़रूरत है तो आप इस तरह से आगे की तरफ ये बचा हुआ कपड़ा रख कर अपने बेल्ट की चौड़ाई कंप्लीट कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर हमारा थोड़ा भी कपड़ा वेस्ट नहीं गया है, पूरे कपड़े का हमारा यहाँ पर उपयोग होता है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा और जॉइंट देने की, तो एक जॉइंट है वो मुझे इनफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही जॉइंट रखा। अब जो ये जॉइंट है ये हमारा किस तरह से लगेगा, तो देखो ये बेल्ट इस तरह से हमारा फोल्ड होता है फ्रंट की ओर। अब ये दो जॉइंट हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। मैं फिर से ये एक बार ये स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने कट किया। सबसे पहले कपड़े को हमने चौड़ाई में फोल्ड किया और फिर हमने नीचे की तरफ पार्ट निकाला, ऊपर की तरफ हमने कलियाँ निकाली दो कलियाँ, उसके ऊपर के कपड़े में भी हमने दो कलियाँ निकाली और सबसे टॉप यानी ऊपर हमने बेल्ट का कटिंग किया। इस प्रकार ये हमने बहुत ही आसान तरीके से पहले वाला टाइप देखा। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे सेमी पटियाला कटिंग करने का। यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है ये पूरी तरह से हमारे पहले वाले मेजरमेंट की तरह ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, मैं इसको 4 फोल्ड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से रखा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड में मेरे बॉर्डर है, यानी कि ये मेरी विड्थ है कपड़े की, चौड़ाई है पन्ने की साइड है। नॉर्मली ये पन्ना आपका 40 इंच या 44 इंच होता है। अब इसको मैंने फिर से एक बार फोल्ड किया इस तरह से, चौड़ाई में यानी विड्थ वाइज फोल्ड करना है। ये हमारे 4 फोल्ड यहाँ पर हो जाते हैं, ये देखो ये 4 लेयर्स है। अब हम इसके ऊपर नाप डालेंगे, कपड़े को आप एक बार देख लीजिएगा किस तरह से हमने रखा है। सबसे पहले हम लंबाई का नाप डालेंगे, तो लंबाई हमारी 40 इंच है, उसमें से बेल्ट का माइनस करना है और हो जाता है 35 इंच, उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 36 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग किया। सेम हमारे पहले की तरह ही मेजरमेंट रहेंगे जो हमने पहले टाइप में देखे थे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन आगे की तरफ खींच देंगे और कट कर देंगे। सिंपली हमने लंबाई का नाप डाला और कट कर दिया। अब जो नीचे की तरफ का कपड़ा है उसे हमें उठाकर इस तरफ रखना है, तो मैं इसको उठाकर इस तरफ रखूंगी।
चाहे आप ऊपर नीचे कैसे भी रख सकते हो, बस आपको यहाँ पर इस तरह से रखना है। ये मैंने इस तरह से रख दिया। रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर पोचे का नाप डालेंगे। तो पोचा यानी बॉटम जो हमारा है 6 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और 7 इंच पर यानी 7 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब आते हैं आसन का मार्किंग करने, जो कि हम आसन का मार्किंग यहाँ पर करेंगे। तो आसन है हमारा 14 इंच, उसमें से 5 इंच बेल्ट का कम कर दीजिएगा, और 9 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। और यहाँ से क्रॉच लाइन से होते हुए बॉटम लाइन तक, यानी आसन से होते हुए पोचे तक हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी, और वहाँ पर हमने कटिंग कर दिया। तो ये मैंने कट कर दिया। अब देखिए ये हमारे इस तरह से पार्ट निकल के आए हैं ऊपर की तरफ, और जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फोल्ड हुए, उस फोल्ड को हमें कट करना है, ताकि जो हमारे 2 लेग्स के पार्ट है वो अलग अलग हो जाएंगे। ये यहाँ पर इस तरह से 4 लेयर्स है, लेकिन ये जब हम खुले करेंगे तो ये 2 लेग्स के पार्ट तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगी। ये जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है ये हमारे बेल्ट के काम आएगा, बेल्ट कट करने के। तो इसको साइड में रख देते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको खोलकर दिखाती हूँ ये किस प्रकार कट हुआ है हमारा। यहाँ पर जो साइड जॉइंट है उसके ऊपर फोल्ड है, तो फोल्ड कट कर देंगे। अब जो ये पैटर्न है इसको मैं खोल दूंगी। ये 2 लेयर मैंने उठाए, और इसको मुझे उठाकर इस तरफ रखना है। अब जो साइड में हमने जॉइंट कट किया था, ये देखिए ये 2 लेग्स के पार्ट हो गए हमारे। और जो इस साइड में हमने जॉइंट किया था कट, ये हमारे 4 लेयर्स हैं, 4 पीसेस हैं। तो उसमें से मैं 2 को उठाऊंगी, 2 को मैं वहीं पर छोड़ूंगी और इस साइड में रख दूंगी। तो आप देख सकते हो दोनों साइड में मैंने 2-2 जॉइंट के पीसेस रखे हैं। इस साइड में 2 हैं और उसके दूसरे साइड में मैंने 2 रखे हैं। ये जो है यहाँ पर हमारा इस तरह से जॉइंट आएगा, तो ये जो मेरी छोटी सी बॉर्डर है ये मेरी सिलाई में चली जाएगी और दिखेगी नहीं। इस साइड में भी हमारे 2 पीसेस हैं, ये जॉइंट हमारा इस तरफ आएगा और ये बॉर्डर मेरी छुप जाएगी, और ये अच्छे से मेरा ये पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 लेग्स के पार्ट तैयार हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, नीचे की तरफ हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो इसको ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में निकलते हैं, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमें एक स्क्वायर शेप में कपड़ा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ और इस साइड में भी। एक 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में, और फिर मैं आपको यहाँ पर बेल्ट का कटिंग दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर ले ली है। अब हम ये स्क्वायर शेप में कपड़ा अच्छे से मिल जाता है, इस पर हम आसानी से बेल्ट का कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर बेल्ट की लंबाई नापेंगे, जो कि हमारी तैयार 5 इंच है। उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए, तो 7 इंच होता है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये पूरा मेरा 8 इंच है, तो ऊपर की तरफ का 1 इंच हम बाद में कट कर देंगे। हमें ज़रूरत सिर्फ 7 इंच की है। अब चौड़ाई में ये हमें लेना होता है हमारे हिप का आधा, प्लस उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो हिप का आधा होता है 19.5 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 22.5 इंच हमें ये कट करना है। अगर आपका हिप का राउंड ज़्यादा है तो आगे की तरफ कपड़ा बहुत बचता है, आप एक्स्ट्रा ले सकते हो अपने हिप के अनुसार। और ये भी आपको अगर कम पड़ जाता है तो और भी कपड़ा हमारे पास निकल के आता है, तो वो कपड़ा भी आप जॉइंट के लिए यूज कर सकते हो।
तो हमें ये इतना इनफ है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ऊपर की तरफ एक इंच एक्स्ट्रा है, उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट का कटिंग भी यहाँ पर हो चुका। और दोनों सलवार के टाइप आपने देख लिए बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आई होप आपको ये पूरे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसकी सिलाई का तरीका मालूम नहीं है तो आप हमारे जो पहले के पटियाला सलवार के वीडियो अपलोडेड हैं उसमें मैंने सिलाई बता दी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा इसकी सिलाई किस तरह से करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।